हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सी लैंग्वेज की सीरीज में हम देख रहे हैं लूप। तो पिछले वीडियो हमने जो लूप के बारे में बात कर चुके हैं, जो फॉर लूप है, जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। यदि आप उसको नहीं देखे तो आप उसको पहले देखें। तो इसको आज देखते हैं कि जो नेस्टेड लूप है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि जो नेस्टेड लूप का जो डिफिनेशन क्या है कि व्हेन एनी लूप इज अवेलेबल इन अनदर लूप देन दिस प्रोसेस इज नोन एज नेस्टेड लूप। इसका मतलब ये है कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप का प्रेजेंट होना ही लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है, यानी एक लूप है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर लूप है। ठीक है, इसकी बॉडी बना इसके, देखिए यहाँ पे ये आपका आउटर वाला जो फॉर लूप है। ठीक है, और इसके अंदर एक हम और लूप चलाए हैं जो कि फॉर से ही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा जो बाहर वाला ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा आउटर लूप है और ये अंदर का इनर लूप है। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार के लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप का उपस्थित होना ही आपका जो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो जो फर्स्ट लूप इज कॉल्ड आउटर लूप एंड सेकंड लूप इज कॉल्ड इनर लूप। ठीक है, जो पहला लूप होता है उसको आउटर लूप कहते हैं और जो सेकंड लूप होता है उसको इनर लूप बोलते हैं। और यहाँ पे है कि व्हेन आउटर लूप एग्जीक्यूट्स वन टाइम देन इनर लूप एग्जीक्यूट्स फुल टाइम अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। इसका मतलब ये है कि जो आउटर लूप है यदि एक बार वो आपका एग्जीक्यूट होता है तो जो इनर लूप होगा वो आपके कंडीशन के हिसाब से पूरे टाइम पूरे प्रोग्राम में वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जिस जैसा आप कंडीशन देंगे उस कंडीशन के हिसाब से आपका लूप चलेगा। तो यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप का प्रेजेंट होना ही हमारा आपका जो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जो स्टार पैटर्न है उसको प्रिंट कराएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे कि जो लूप का नेस्टिंग है वहाँ पे उसको करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 5 स्टार हो गया और इसके जस्ट नीचे है और यहाँ पे 4 स्टार बना और इसके नीचे है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टार हुआ। ठीक है, और इसके नीचे है 2 स्टार हुआ और इसके नीचे है 1 स्टार हुआ। तो इस तरह से कुछ जो हम पैटर्न प्रिंट कराएंगे और इसके अलावा जहाँ पे आपको लगे कि जो लूप का नेस्टिंग करना हो तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इस पैटर्न को प्रिंट करके देखते हैं कि जो ये पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे तो उसके थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं और इसको हम, ठीक है, जो हेडर फाइल है conio.h इसको इंक्लूड किया और यहाँ पे जो दूसरी हेडर फाइल है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं studio.h। ठीक है, और इसके जस्ट हम मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी हुआ। ठीक है, और इसके अंदर हम जो दो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कराएंगे। तो जो डेटा टाइप है वो इंट लिए और एक वेरिएबल हमने लिया i और एक वेरिएबल लिया j। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया और इसके जस्ट नीचे है और यहाँ पे जो फॉर लूप है उसकी बॉडी बनाते हैं। तो फॉर लूप में हम पहला जो काम होता है इनिशियलाइजिंग का, जहाँ से हमको वैल्यू स्टार्ट करना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो जो हम आई की वैल्यू ले लेते हैं 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 हो गया और जो आई की वैल्यू है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। ठीक है, और आई की वैल्यू जो है वो हम इंक्रीमेंट करा देते हैं, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होता है और इसके नीचे आए जो फॉर लूप की बॉडी है उसको बनाते हैं। ठीक है, और फॉर लूप की बॉडी के अंदर देखिए ये हमारा ये फॉर लूप है और इसकी बॉडी ये हमारा जो यहाँ से ब्रैकेट से बनाया हुआ है। ठीक है, और इसके लूप के अंदर एक और हमारा फॉर लूप है। तो वहाँ पे देखिए लूप की जो नेस्टिंग हो रही है, यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप का उपस्थित होना ही जो नेस्टिंग नेस्टेड लूप कहलाता है। यहाँ पे हम जे इज इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ पे, ठीक है, तो जो जे है जे इज लेस देन एंड इक्वल टू आई। ठीक है, और इसको हम यहाँ से जे की वैल्यू है जो डिक्रीमेंट करा देते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाहर आए और इसी के अंदर हम जो फॉर लूप है एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ का। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक प्रिंटफ का मैसेज देते हैं जिसमें हम प्रिंट कराएंगे स्टार। ठीक है, तो एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे हम स्टार को रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाए और जस्ट इसके नीचे आए यहाँ पे न्यू लाइन के लिए हम
एक और मैसेज देंगे, ठीक है, प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर बैकवर्ड स्लैश एन जो कि हमारा न्यू लाइन के लिए होगा, और इसके बाहर आएंगे, ठीक है, इस लूप के बाहर आए गेट सी एच, ठीक है, तो यहाँ पे हमने गेट सी एच लगाया, और इसके बाद इसको रन करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से आएगा, अभी आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए इसका जो रिजल्ट हमने जिस वे में हम चाहते थे उस वे में इसका जो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 5 स्टार प्रिंट हुआ है, सॉरी यहाँ पे 6 हुआ है, क्योंकि जो आई की वैल्यू है यहाँ से हम जो 0 से लिए, जिसकी वजह से वो 6 तक जा रहा है। यदि हम यहाँ आई की वैल्यू 1 कर देंगे तो यहाँ पे जो 5 ही स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप है, देखिए यहाँ पे जो आई वाला जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू एकदम फिक्स है, ठीक है, और जो इनर लूप की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए जो यहाँ पे पहले 5 स्टार था, उसके बाद 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर ठीक है, तो इस तरह जो जे की वैल्यू है इनर लूप की वो हमारा चेंज हुआ। देखिए जे की वैल्यू यहाँ से हमने डिक्रीमेंट कराया हुआ है। तो इस तरह जो आप जो कुछ पैटर्न प्रिंट करना चाहेंगे तो आप जो लूप की नेस्टिंग करके आप प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको कहीं और लगता है कि जो आपको लूप की नेस्टिंग करना जरूरी है तो वहाँ पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आप आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपकी क्वेरी हो तो आप कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।